अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहल्ला रो या रसूल अल्लाह दिलदार की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा दत्ता की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा जिसमे से बोलो मेरा दिल भी चमका रे चमकाने वाले तेरे प्यारे हबीब की विलादत की खुशी में हम इस मस्जिद से निकलकर इन रास्तों में फिरकर वापस आए, एक एक कदम के बदले में बेशुमार और बेहिसाब नेकियां नसीब फरमा। More so than that, 12th of Rabiul Sharif, subhanAllah. Also the day when Rasulullah entered into Medina. Subhanallah. And when he entered into Medina, the Prophet was welcomed by the people of Medina. How did they welcome him? The women and the children went onto the rooftops and they all recited Tarayal Badru Alayna. सरकार की आमद दिलदार की आमद मरधार की आमद जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा कसम खुदा दे मेरा ईमान है कि हर जमाना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहल्ला जब तलक चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे जब तलक ये जाएंगे तब तलक जश्ने विलादत हमें मनाते जाएंगे नूर वाला आया है नूर लेकर आया है नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सरकार की आमद दिलदार की आमद इस तरह नहीं शक के नारा नहीं लाना नारा लाना गज वज के दिलदार की आमद आका की आमद
मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। आज हम सब अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करते हैं उसकी तमाम नेमतों का, और सबसे बढ़कर जो उसने हम पर ये करम और एहसान फरमाया कि लकत मन अल्लाह अलल मोमिनीन इस बासा फीहिम रसूला, जो उसने हम पर अपना रसूल मबऊस फरमाया, आखिरी रसूल। मेरे दोस्तों, बड़ा खूबसूरत जुलूस मस्जिद से शुरू हुआ और ये 31 साल से मुसलसल आप ने इस रूटीन को जारी रखे हुए। अल्लाह ताला जो भी इसमें दामे दिल में सुखने कदमे तामन करते हैं, अल्लाह सबके तामन को कबूल फरमाए, आपके रोजी रिज़्क़ मरते हैं ता फरमाए, आपकी औलादों पर अल्लाह रहम फरमाए। कुरान पाक में जो मैंने इब्तिदा में छोटी सी आयत पढ़ी है, वइन तउद्दू निअमत अल्लाहि ला तुहसू, हम अपने जिस्म को, अपने ख्याल को, अपने सोच को जब उनके ताबे नहीं बनाएंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। एक आदमी अगर कहता है कि मैं मिलाद मनाता हूं, वो झूठ नहीं छोड़ता, वो गिबत नहीं छोड़ता, वो चुगलखोरी को नहीं छोड़ता, हर बुरे ऐब उसमें पाए जाते हैं और ये उम्मीद लिए बैठा है कि मैं मिलाद के लिए चंदा देता हूं या मिलाद के जुलूस में शामिल होता हूं तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, नहीं। कब्र में हम जाएंगे, हम अपने अमाल के खुद जिम्मेदार होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह की रहमत, हुजूर की शफात गुनाहगार मोमिनों के लिए है, लेकिन जो आदमी गुमराह हो जाए और फिर ये सोच लिए बैठे कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, और याद रखो दोस्तों, जो कब्र के इम्तिहान में कामयाब हो गया आगे आसानियां हैं, अगर वो पहले टेस्ट में कामयाब नहीं हुआ तो आगे। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, उनकी शरीयत के मुताबिक हमें अपने जरिए बसर करने की तौफीक अता फरमाए, बरकत से हमें हम पर रहम और करम फरमाए। और बिलखसूस आखिरी बात, आज नबी पाक ने तो फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है, एक मशरक में रहता है एक मगरब में रहता है, जब मशरक वाले के पांव को कंडा चुभता है मगरब वाले को दिल में तकलीफ होती है, दर्द महसूस होता है, लेकिन आज फलस्तीन में जो हो रहा है बताएं हम कहां खड़े हैं। जो मुसलमान हुक्मरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं, अल्लाह उन्हें हदायत आ फरमाए, अल्लाह उनकी गायबाना मदद फरमाए। तो जो कुछ मैंने कहा अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तकबल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तुब अलैना इन्नका अंतत तवाब रहीम। रब्बुल आमीन। ब्रदर अजीज जनाब हाजी मोहम्मद खलील साहब ने आज के ये जुलूस के यहाँ रोकने का और उसके ताम का बंदोबस्त किया है। रब्बुल आलमीन इस बार का इसको इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह वो सूरत है मोहम्मद की, मुसलमानों नगाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा
चुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब वाले वाले मेरा मुबारक हो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी आमद मुस्तफा सरकार की आमद आका की आमद लजपाल की आमद मदनी की आमद मक्की की आमद आमद मुस्तफा अल्लाह 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 है सब पाने वाले मेरा दिल भी चमकारे चमकारे वाले आलम से छुप जाने वाले मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला मेरे चश्मों के बदले में पूरे खानदान को सरकार की मोहब्बत में इजाफा नसीब फरमा रब العالمین इस घर में रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा रब العالمین तमाम घर वालों के जान माली ज़ुकवालों की हिफाज़त फरमा ईमान के अंदर कमाल नसीब फरमा रब العالمین सरकार की मोहब्बत में इजाफा फरमा दे हम सब की दुआएं कबूल फरमा और सरकार दो आलम सर के वसीले से मौला पाक फलस्तीन के नाराए तकबीर नाराए हैदरी 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 आमद ए मुस्तफा आमद ए मुस्तफा लबैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लबैक अल्लाह 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 मोहम्मद मुस्तफा आए बहार
jab chamka everybody behind the ulama-e ikram and let them be at the front leading the julus and I will have everybody else behind them please kamar ki chandni kadmon pe hone ko nisaar aayi muhammad mustafa ye bahar andar bahar aayi badi mayus ki dai halima jab gayi makke badi mayus thi dai halima jab gayi मगर आई तो ले कर दो जहां का ताजदार Thank you.
नबूवत के एक दो शेर में पढ़ता हूँ बरकत के लिए। आज का दिन इस चीज का इजहार करें कि इजहार जरूरी है, इकरार जरूरी है, यारो खत्म नबूवत दा प्रचार जरूरी है, इजहार जरूरी है, इकरार जरूरी है, यारो खत्म नबूवत दा प्रचार जरूरी है। कर दे अगर दावा कोई जनबूवत दा, कर दे अगर दावा कोई जनबूवत दा, सिद्दीक जे आयो दो किरदार जरूरी है, यार खत्म नबूवत दा प्रचार जरूरी है। हक साध छ नबिया दी महफिल नु सजावण लई सुबहानअल्लाह। आप अहबाब ने रबी अव्वल शरीफ की इब्तदा से लेकर आज के दिन तक एक अशराए मिलाद भी बनाया है और शबे मिलाद वक्ते मिलाद भी सेलिब्रेट किया है और फिर यौमे मिलाद भी सेलिब्रेट किया है। अल्लाह के फजल व करम से इस सारे वक्त के अंदर आप अहबाब की मोहब्बत प्यार और खलूस पहले मिनट से अगले मिनट के अंदर ज्यादा नजर आया है। रब्बुल आलमीन इसके अंदर और ज्यादा इजाफा फरमाए। और जिन अहबाब ने हजरात ने इब्तदा से लेकर आज के दिन तक तमाम इंतजाम किए हैं, लंगर के इंतजाम किए हैं, 10 दिन करते रहे हैं, 11वें दिन तक करते रहे, सहरी के वक्त आज किया जिन अहबाब ने, और अभी जो लंगर का इंतजाम हमारे जितने भी मस्जिद के खादिमीन हैं, मस्जिद की इंतजामिया है, उन तमाम का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं और अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ भी करते हैं और आप अहबाब तमाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। रब्बुल आलमीन फिर जिंदगी में दोबारा मिलाद शरीफ का जुलूस नसीब फरमाए और फिर उसके बाद थैंक यू वेरी मच ब्रिटिश पुलिस, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे साथ वो शामिल रहे। तो आप बिला ताखीर दुआ करेंगे और उसके बाद नमाज़े ज़ोर के बाद लंगर का भी इंतजाम है, प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा और आप अहबाब नमाज़े ज़ोर के बाद मोहब्बत और प्यार के साथ इसके अंदर शामिल होना। मोहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि रब्बुल आलमीन तेरे प्यारे हबीब की विलादत की खुशी में हम इस मस्जिद से निकलकर इन रास्तों में फिरकर वापस आए, एक एक कदम के बदले में बेशमारो बेहिसाब नेकियां नसीब फरमा, बेहिसाबो बेशमार गुनाहों की माफी नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन एक एक कदम के बदले से हमारी तमाम मुश्किलात आसान फरमा दे, परेशानियां दूर फरमा दे, तंग दस्तियां दूर फरमा दे। जलूस में चलने वाले, इसका इंतजाम करने वाले, रास्तों में रोकने वाले, लंगर का बंदोबस्त करने वाले, इन तमाम पर अपना फजल व करम नाज़िल फरमा, सबकी हाजरी कबूल फरमा, हम सबकी हाजरी कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन नबी पाक सल्लम की मोहब्बत में जीना, आपकी मोहब्बत के अंदर ही मरना नसीब फरमा। आत्मा हजरात को फिर मैं दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ तो रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता हूँ कि आइंदा साल फिर अगठे हम मिलाद बना सके। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम आलम इंसानियत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम की विलादत बासआदत का एक और आज का दिन इंतहाई मुबारक हो। आकईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के हवाले से इंतहाई मुख्तसर पैगाम ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर हमेशा मुस्कुराहट रहा करती थी। अल्लाह ताला हम सबको मुस्कुराहटें और मोहब्बतें बिखेरने की तौफीक नसीब फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा रसूल हम सबको अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। आकईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाकर अपनी ज़िंदगियां बसर करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन वसल्लल्लाहु तआला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 30 बरसों से हम यहाँ स्टोक ऑन ट्रेंट यूके में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलादुल मुबारक हम इंतहाई जोश जज्बे और खरोश से मनाते हैं और ये सिलसिला इंशाल्लाह ताकि अमद जारी रहेगा।
मैं इस ये पैगाम देना चाहता हूँ कि रूए ज़मीन पर जहाँ कहीं भी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो इसी तरह हज़ूर से मोहब्बत व अकीदत का इज़हार करते रहें। हाजी इस मस्जिद का ट्रस्टी होने के नाते हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ा पुरमन प्रोग्राम हुआ है, पुरमन जुलूस निकला है। अल्हम्दुलिल्लाह से 31 साल से हम इस जुलूस को मना रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी मनाते रहेंगे और इसी तरह पुरसकून से मनाएंगे। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स एंड द कमेटी मेंबर्स एंड द पब्लिक ऑफ जिलानी नूर मस्जिद, ए वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी मिलाद टू ऑल द मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड। टुडे इज अ डे वेयर ऑल द यूनिवर्स everything rejoice on the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because as Allah subhanahu wa ta'ala says, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." He is a rahmah upon not just this alamin, all of the worlds, all the universe. And we pray that on this blessed day, through the sadaqah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may Allah make it ease for our brothers in Palestine, our brothers in Gaza, all our brothers and sisters, and even in Kashmir, even in Ghana, around the world, any Muslim, non-Muslim who is suffering, regardless of their background, regardless of their creed, may Allah subhanahu wa ta'ala bring them ease, bring them happiness through the blessing of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ameen.